नमस्ते आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फाइव रीजनल ज्योग्राफी ऑफ जापान तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं फाइव पॉइंट जीरो वन इंट्रोडक्शन एंड लोकेशन जापान इज लोकेटेड ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया यानी कि जापान जो है ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया में स्थित है इट ऑकोपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस एमोंग द डेवलप्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और दुनिया में जितने भी डेवलप इंडस्ट्रियल कंट्री है उसमें से एक जापान भी है द कंट्री जापान इज ए स्ट्रिंग ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन और जापान में बहुत सारे छोटे छोटे साथ ही बड़े आइलैंड भी है और ये पैसिफिक ओशन के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है इट्स एंसेंट निपोन मीनिंग द लैंड ऑफ राइजिंग सन और जापान का पुराना नाम है निपोन जिसका अर्थ होता है लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी कि उगता सूरज का जमीन या फिर उगता सूरज का देश जापान कंजिस्ट ऑफ फोर मेन आइलैंड्स जापान में मुख्य चार आइलैंड्स हैं जिनमें से हैं होकाइडो होन्सु सिकोकू एंड इंक्लूडिंग ए नंबर ऑफ स्मोलर आईलैंड ऑफ व्यवकू एज वन और इसमें बड़े आइलैंड तो है जैसे कि हॉकाइडो हॉन्सू सिकोको और और साथ ही छोटे आइलैंड में है रियोकु। हॉन्सू इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द आइलैंड्स और हॉन्सू जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है एटीन सिक्सटी मेजी यूनाइटेड द होल ऑफ जापान अंडर हिज रूल और एटीन में मेजी शासक ने पूरा जापान को अपना कब्जे में लिया था इन दोज डेज हैड नो ट्रेड रिलेशन विद फॉरेन कंट्री और उस समय जापान का किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ में कोई बिजनेस रिलेशन नहीं था यानी कि उस समय जापान किसी और देश के साथ में बिजनेस नहीं करता था बट लेटर ऑन द फ्यूडल सिस्टमिस्ड एंड इन दिडल पार्ट ऑफ द्थ सेंचुरी एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज लेकिन बाद में जाके जब ट्वेंटी सेंचुरी का मिडिल पार्ट में जापान को सुपरिंटी मिला तब क्या हुआ जापान ने अपना जो ट्रेड रिलेशन था फॉरन कंट्री के साथ स्टार्ट किया तो पहले जापान ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ बिजनेस स्टार्ट किया और साथ ही बाकी जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके साथ में भी धीरे धीरे से बिजनेस रिलेशन स्टार्ट किया दिस अ कियावलपमेंट ऑफ जापान और तभी से ही जापान का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था यानी कि जापान में जो इंडस्ट्रीज थे वो तेजी से बढ़ने लगे एक्सप्लोजन ऑफ एटम बॉम्ब ऑन जापान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्क एज ए स्टीमुलेंट इन दिस रिगार्ड लेकिन एटम बम जब गिरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उसके बाद और तेजी से क्या हुआ वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ स्पेशली इंडस्ट्री के क्षेत्र में सिचुएटेड इन द पेसिफिक, द जापान आर्टेगो इज सराउंडेड बाय द साखालीन आइलैंड, कुरिल आइलैंड एंड ऑक्सट सी इन द नॉर्थ द ताइवान सी एंड ईस्ट चाइना सी इन द साउथ द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट एंड द जापान सी कोरिया सी एंड रशिया सी इन द वेस्ट तो यहाँ पे जापान का जो आ, लोकेशन है उसको बताया गया है कि जापान किस तरह से घिरा हुआ है चारों ओर से यहाँ पे बताए गए हैं फिजिकल कैरेक्टर कि जापान का नॉर्थ में कौन है या फिर ईस्ट वेस्ट साउथ में कौन सा है ये सारा चीज आप लोग को याद रखना जरूरी है तो इसको ध्यान में रखिएगा इट हैज़ इट्स एक्सटेंशन

आप लोगों को याद रखना होगा ये छोटी छोटी चीजें ही क्या होता है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं तो आप लोगों ने कहा था कि जब भी मैं पढ़ाऊं उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बोलता जाऊं तो मैं उसको ध्यान पे रखते हुए यहाँ पे बता रहा हूँ जो मैंने अभी बताया इस इन चीजों को आप लोग अंडरलाइन करके करके नोट डाउन करते रहिएगा और इसी को ही पढ़िएगा सो दिस कंट्री इज मेनली इंक्लूडेड इन द टेम्परेट क्लाइमेट और जापान का जो क्लाइमेट है वो कैसा है टेम्परेट क्लाइमेट तो इसको भी ध्यान में रखिएगा द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ जापान इज अबाउट टू थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर्स तो नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर हम लोग डिस्टेंस देखेंगे जापान का तो टोटल है टू थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर इट्स टोटल एरिया इज अबाउट थ्री लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव स्क्वायर किलोमीटर तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन साथ ही एरिया जापान का जो है उसको भी आप लोग याद रखिएगा

का डाटा के अनुसार जापान का जो पॉपुलेशन था उस समय 128 मिलियन था इवन दो द टोटल एरिया ऑफ जापान इज स्मॉल भले ही जापान का जो एरिया है वो छोटा हो इट इज द टेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन भले ही कंट्री का एरिया छोटा हो लेकिन पॉपुलेशन बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो जापान वर्ल्ड में टेंथ पोजिशन में आता है टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान टोक्यो जापान का कैपिटल है इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन स्पाइट ऑफ स्कॉर्सिटी नेसेसरी मिनरल एंड अदर नेचुरल रिसोर्स जापान बींग ए स्मॉल कंट्री विथ हिल्स एंड माउंटेन्स इज वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज इन वर्ल्ड एट प्रेजेंट तो भले ही हम लोग कह सकते हैं कि जापान में मिनरल रिसोर्सेस या फिर बाकी जो रिसोर्स है उसका कमी है एक छोटा देश भी है जो कि हिल्स माउंटेन्स से घिरा हुआ है लेकिन फिर भी वो दुनिया का एक डेवलप कंट्री है